हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की कुछ एक्स्ट्रा फुटेज के बारे में, जिस फुटेज को फिर से फिल्म में ऐड कर इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया है। लेकिन ये फिल्म एक्स्ट्रा फुटेज के साथ हमारे इंडिया में रिलीज नहीं की गई। लेकिन जो भी हो, अब डिटेल निकल कर आई है, तो चलिए उन सभी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में लगभग 4 मिनट के सीन्स और ऐड किए गए हैं, जो सीन पहले हमें फिल्म में देखने नहीं मिले थे। और डेफिनेटली इस फिल्म को थिएटर्स में इसलिए लगाया गया है ताकि इस फिल्म की अर्निंग बॉक्स ऑफिस पर और हो और ये फिल्म थोड़े और अच्छे पैसे कमाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, जो कि ऑब्वियसली ये फिल्म थोड़ा बहुत कमाएगी भी। और बात करें फिल्म के एक्स्ट्रा फुटेज की, तो इन फुटेज की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर अपडेट कर बताई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म की डिलीटेड सीन वाली वीडियो में। लेकिन इस बार जब सीन हमारे सामने निकल कर आया, तो हमें पता चला कि एक्चुअल में ये सारे के सारे सीन फिल्म में शूट किए गए थे, जिसके बाद फिल्म में से इन सीन्स को काट दिया गया, जिसका रीजन था कि स्टूडियो ये नहीं चाहता था कि पीटर अपनी ट्रिप पर जाने से पहले लोगों को थोड़ा पकाए। इसलिए जैसा फिल्म का टाइटल है, उसी हिसाब से फिल्म को एडिट कर हमारे सामने रखा गया, जिसमें हमने पीटर को काफी जल्द ही अपनी ट्रिप पर जाते हुए देखा। लेकिन इस बार इस फिल्म में अलग है, जहां पर पीटर अपनी स्कूल ट्रिप में जाने के लिए कितनी प्रॉब्लमों से गुजरता है। ऑब्वियसली अब पीटर एक स्पाइडरमैन है और जाने से पहले उसे काफी चीजों को क्लियर कर जाना है, जिनमें से सबसे पहला काम है पीटर का पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना। जहाँ पर जाने के बाद पीटर को ये पता चलता है कि पासपोर्ट को रिन्यू कराने का काम कितना ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। जिसके बाद पीटर टोनी स्टार्क के डिवाइस को यूज करता है ताकि कोई उसे देख ना पाए, और ये डिवाइस है पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में लगा हुआ स्पाइडर, जिस स्पाइडर की एक झलक हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखी थी। बल तो यहाँ पर पीटर स्पाइडर की मदद से पासपोर्ट ऑफिस के लंच टाइम पर एक और काउंटर खोलना चाहता है, ताकि वो टाइम से इस काम को खत्म कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। और ऐसा ही होता है, पीटर अपने स्पाइडर की मदद से एक क्लोज काउंटर को खुलवाता है और वहाँ पर जाकर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा लेता है। जिसके बाद हमें एक्चुअल में वहाँ पर ये पता चलता है कि पीटर पार्कर की बर्थ डेट हमें स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक बुक का रेफरेंस देती है। और उसके बाद पीटर वहाँ से मिस्टर डेलमार्ट के शॉप में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो मिस्टर डेलमार्ट को ये डिटेल देता है कि वो वैकेशन पर जा रहा है, खास करके स्पेन। और फिर मिस्टर डेलमार्ट उसे ये कहते हैं कि वो भी इस ट्रिप पर आना चाहते हैं, जिसके बाद पीटर उन्हें गुमराह करता है कि ये ट्रिप सिर्फ और सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है, जिसमें वो नहीं आ सकते। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि मिस्टर डेलमैन एक्चुअल में पीटर से मजाक कर रहे थे। इसके बाद पीटर अपनी थोड़ी सी स्पेनिश झाड़कर मिस्टर डेलमर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मिस्टर डेलमर पीटर को ये बताते हैं कि उसकी स्पेनिश बिल्कुल भी ठीक नहीं। और फिर उसके बाद पीटर यहाँ से सीधे जाता है एक पॉन शॉप में, जहाँ पर वो अपने स्टार वॉर्स के सारे कलेक्शन को बेच देना चाहता है, ताकि उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाए, जिस रकम से वो एमजे के लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट खरीद सके, जिस गिफ्ट को हमने फिल्म में देखा। लेकिन यहाँ पर पीटर स्टार वॉर्स के कलेक्शन में से लोबर्ट का कलेक्शन नहीं देता, क्योंकि लोबर्ट का कैरेक्टर स्पाइडरमैन के बहुत ही ज्यादा करीब है। अब इस सीन को फिल्म में से इसलिए काटा गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलिंग को स्टार वॉर्स के यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक्चुअल में टॉम हॉलिंग ने अपनी पूरी जिंदगी में स्टार वॉर्स फिल्म नहीं देखी, खास करके लेजेंड्स ओल्ड सीरीज। जिसके बाद जब सेट पर टॉम हॉलिंग को लाया जाता, तो टॉम हॉलिंग ये सारे के सारे डायलॉग्स बोलकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते और कुछ एक्सपर्ट्स उन्हें स्टार वॉर्स के यूनिवर्स के बारे में समझाते। तो शायद हो सकता है कि इन्हीं कारणों से फिल्म में से इस सीन को काट दिया गया। और उसके बाद ये सीन हटता और हमें दिखाया जाता है पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस, जिस सीन की झलक हमने फिल्म के ट्रेलर में देखी, जिस सीन में हमने स्पाइडरमैन को उसके आयरन स्पाइडर सूट में देखा, जिस सूट को पहनकर वो एक रेस्टोरेंट में सारे के सारे गुंडों की पिटाई कर रहा था। और ये एक्शन सीक्वेंस कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। बट अनफॉर्चुनेटली इस सीन को फिल्म में डाला नहीं गया। और जिन लोगों से स्पाइडरमैन यहाँ पर लड़ रहा है, वो सारे के सारे लोग रेडी फ्रीमैन के आदमी है, जो कैरेक्टर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में विलन भी है, जिसे शायद स्पाइडरमैन के फ्यूचर के लिए बचा लिया गया। वेल, इस सीन में बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, स्पाइडरमैन उन गुंडों की छुट्टी कर देता है, यहाँ तक कि जब एक शख्स एक गन लेकर पूरी तरीके से फायर स्पाइडरमैन पर करता है, तो यहाँ पर स्पाइडरमैन बस उससे मरने की एक्टिंग करता है और ये कहता है कि उसका सूट बुलेट प्रूफ है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। और तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, जिसके बाद पीटर पुलिस वालों को ये कहता है कि वो आयरन मैन बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो बिजी है पुलिस वालों का काम करने में। जिसके बाद ये जोक मारकर पीटर उन सभी से यही कहता है कि वो वैकेशन पर जा रहा है, और इस बीच इस शहर की सारी पुलिस को ही अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और उसके बाद इस सीन को हटाकर सीधे हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का सीन। वेल, तो ये है फिल्म की एक्स्ट्रा फुटेज, जिसकी डिटेल मैंने अभी आपको दे दी है, और ये भी बता दिया है कि एक्चुअल में इस सीन को फिल्म में से क्यों हटाया गया था। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिलीटेड सीन्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।